अब एक नजर इस खबर पर। भिलाईतीन थाना क्षेत्र के लिए मंगलवार का दिन ठीक नहीं था। एक के बाद एक बड़ी वारदातें यहां पर होती देखी गई। सोमवार की देर रात को ही हत्या की वारदात हुई। अब ऐसी वारदात हो गई है जिससे आसपास इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मंगलवार शाम को हुई वारदात में एक पंडित ने परिवार के चार लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। वहीं भिलाईतीन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि भिलाईतीन के दादर में रहने वाले विष्णु साहू अपने परिवार के दोष को मुक्त करने के लिए घर में पूजा आयोजित कराने वाले थे। पूजा करने के लिए पंडित दीनू प्रसाद शर्मा को बुलाया गया। पंडित दीनू भी दादर का रहने वाला बताया गया है। घर के अंदर में पूजा पाठ चल रही थी। मंत्रोपचार के साथ पूजा पाठ चल रही थी। इस दौरान अचानक पंडित दीनू प्रसाद ने रखे धारदार हथियार चापर को उठा लिया और सीधे विष्णु साहू के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने यही बताया कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस घर में परिजन भी मौजूद थे। विष्णु की पत्नी निर्मला साहू के बीच बचाव करने की कोशिश की गई। पंडित दीनू ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद 18 वर्षीय बेटे जितेश साहू, 19 वर्षीय सुमन साहू भी बीच बचाव करने पहुंचे। पंडित दीनू ने उन पर भी हमला कर दिया। हमला करने के बाद पंडित वहां से भागने की प्रयास करने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस की माने तो विष्णु प्रसाद साहू गंभीर है, उसे सनशाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हैं, जिनका उपचार सनशाइन हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें विष्णु साहू ने दीनू शर्मा को अपने घर पूजा के लिए बुलाया था। पूजा के दौरान विष्णु शर्मा ने किसी बात को लेकर अचानक चापड़ से वार करना शुरू किया और उसने विष्णु साहू को, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को चापड़ से चोट पहुंचाया, जिसमें विष्णु साहू की हालत गंभीर है, उसको ज़्यादा चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दीनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध हत्या के प्रयास के संबंध में दर्ज किया गया है 307 के तहत। इस संबंध में और विवेचना जारी है। सर, जो पूजा पाठ के बता रहे हैं, कब की है? ये घटना कल शाम 4 बजे के आसपास की है। पहले पूजा पाठ उसने 12 से 2 बजे के बीच किया था, उसके बाद 4 बजे उस घर में और गया और इसी दौरान ये घटना घटित हुई और उसने अचानक चापड़ से सबके ऊपर वार किया है। कल करीबन शाम को 4-5 बजे के बीच में चार लोग हमारे अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर के आए थे 112 की गाड़ी में, और उन चारों के साथ कुछ धारदार हथियार से हमला किया गया था किसी पंडित के द्वारा, ऐसा मरीज के रिश्तेदारों ने बताया। पहले उनको UPHC भिलाईतीन में लेकर के गए थे। वहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि भिलाईतीन में हमारा है, तो यहाँ इमरजेंसी के लिए यहाँ पर लेकर के आए। और उसमें जो विष्णु साहू जी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, सिर में कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी खून का रिसाव होने की वजह से उनका BP बहुत लो हो गया था। फिर इमरजेंसी में उनको ICU में एडमिट करके उनका इलाज हम लोगों ने स्टार्ट किया और अभी वह BP उनका ठीक है, नॉर्मल आ गया है और अभी वो खतरे से बाहर है। उसके अलावा उनकी पत्नी निर्मला साहू जी हैं, उनको भी सर में कट लगा था और यहाँ मैंडिबल के पास जॉ बोन जो बोलते हैं, जॉ बोन कट गया है उनका और उनको ऑपरेशन करके प्लेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लोगों ने प्लान किया है। और बाकी उनके दो बच्चे हैं, उनको भी सर में मल्टीपल कट्स लगे हुए हैं धारदार हथियार से, जिसको हम लोगों ने रिपेयर कर दिया है और अभी चारों मरीज अभी जान के खतरे से बाहर हैं और स्वस्थ हैं और आगे हो सकता है दोनों बच्चों को हम डिस्चार्ज कर दें। और जो महिला है उनका, क्योंकि जॉ भी कट गया है अंदर से, बोन कट गया है, तो उसको प्लेटिंग करना पड़ेगा, तो उनको हम 1-2 दिन अभी रखेंगे और बाकी लोगों को स्थिति जैसे ठीक हो जाती है उसके बाद उनको छुट्टी कर देंगे। इस पूरे घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे को सील कर दिया। आरोपी पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।